जय श्री राम। श्री राम भक्त हनुमान सेवा सोसाइटी जो पिछले 13 साल तो बजरंगी सेना का आयोजन कर रही है, साड़ी 3 साल तो यही कोशिश है कि हनुमान जी महाराज के कृपा के नाल उन्होंने चरणों में कुछ ना कुछ भेंट किया जाए। ऐसे प्रकार तीसरा साल है, पहले साल असी कुंदन का मुकुट सी भगवान सुशोभित होया सी, देखिया तुसी वो अर्पण किया। उस तो बाद पिछले साल अष्टधातु का जरा मुकुट सी जिते स्वर्ण दे परत लग के उन्होंने तैयार किया गया से, और इस साल अष्टधातु का ही 21 किलो का और जो छतर है उसके ऊपर जो सोने की कारागिरी हुई हुई है उसको हमने हनुमान जी महाराज के आगे अर्पण किया। तो हमारे हमें यही आशा है कि हनुमान जी महाराज इसी प्रकार हमसे सेवा प्रदान करते हैं। और कल से जो लंगूरों का नवरात्र शुरू हो रहे हैं उसमें सुबह 8 बजे हनुमान जी महाराज का दरबार जो है वो खोला जाएगा, उसमें पंचामृत स्नान करके हनुमान जी को हवन यज्ञ करके जनेऊ जो को पवित्र सबको करवा के उसके बाद हनुमान जी महाराज की जो सेवा है 10 दिन की वो हम शुरू करेंगे। जैसे 2 टाइम मंदिर मत्था टेकना, चाकू का कटा नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खाना, जमीन पे सोना और कैसे ब्रह्मचार्य का पालन करना, जो 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 नियम होते हैं उसकी मर्यादा में रहते हुए हम बजरंगी सेना का कल से आयोजन करेंगे जो 10 दिन तक चलेगा दुशहरे तक। सुबह हम लाल वस्त्र में नमस्तक होंगे और रात को जो सुंदर सुंदर जो रामायण का से जो हमने कुछ छवियां बजरंगी सेना की निकाली हैं वो उसमें चोरा डाल के रात को नमस्तक होंगे। छतर ये छतर का डिज़ाइन मैंने खुद ही किया सारा, क्योंकि ये छतर मैंने आज से वृंदावन देखा था 5 साल पहले और अपनी इच्छा थी कि अमृतसर में भी ऐसा छतर चले, तो स्पेशल कारीगरों के द्वारा 2 महीनों में ये छतर की कटिंग करवा के ये छतर चढ़ाया गया। और अपनी इच्छा यही थी जैसे हनुमान जी का विशाल स्वरूप है उनके ऊपर भी वैसे ही विशाल छतर लहराना चाहिए, तो आज वही कोशिश करके हमने कारीगरों के द्वारा 2 महीने में ये चीज़ तैयार करके उनके आगे अर्पण की। देखो इस टाइम शायद 200 तो सोसाइटियां ने, और बड़ी अच्छी गल है कि हनुमान जी महाराज के सब पासे लाल वस्त्र नजर आते हैं, पर लेकिन कुछ मर्यादा भंग उदो होंगी जब असं कॉम्पीटिशन के तरीके पे आने तो असं क्यों ना अपनी सेवा करिए, क्योंकि सेवा का नंबर हनुमान जी महाराज ने देने हैं और मर्यादा चल रही है जो चीज़ है वनू करिए ताकि साढ़े उत्ते कोई टिप्पणी ना करे, क्योंकि साढ़े नहीं टिप्पणी होनी हनुमान जी महाराज के उपर टिप्पणी होती क्योंकि उन्हें सेना वै, तो साड़ी सारी अपील है सारी संस्थावान कि अस सेवा करनी है कोई कॉम्पीटिशन नहीं करना और असी मर्यादा च रह के असी वो काम करना ताकि हनुमान जी महाराज सबनों आशीर्वाद देकर बदल बुलंदी बदले।